नमस्कार, मैं महागुरु गौरव मित्तल। आशा करता हूँ पिछला वीक आप सभी जातकों के लिए, सभी राशि के लिए एक अच्छा सप्ताह रहा होगा। पिछले वीक में एक हमारी जो एक इम्पॉर्टेंट त्यौहार या इवेंट कह लो, महाशिवरात्रि, जो हिंदू धर्म के हिसाब से एक बहुत ही ज़्यादा महत्व रखता है। इनफैक्ट पूरा वीक जो रहा है 9 दिन, जिसमें शिव के शादी से रिलेटेड पूरा वीक में लोगों ने सेलिब्रेट किया है। इनफैक्ट मैं खुद महाकाल, उज्जैन और ओंकारेश्वर के दर्शन किए मैंने, और वहां जाके शिव की असीम कृपा मेरे को भी प्राप्त हुई। मैं यही आशा करता हूं आप सबको शिव भगवान की असीम अनुकंपा बनी रहे और सभी का पिछला वीक काफ़ी अच्छा गया होगा। इसी आशा के साथ हम बात करेंगे आने वाले सप्ताह के बारे में। आने वाला सप्ताह डिफरेंट राशियों के लिए क्या अच्छा क्या बुरा लेके आने वाला है, इस बारे में बात करेंगे। अब हम बात करेंगे कन्या राशि के बारे में। कन्या राशि के स्वामी हैं बुध, शुभ धन है पन्ना, शुभ दक्ष है चारमुखी रुद्राक्ष, शुभ दिशा है उत्तर की दिशा। इस सप्ताह सितारे इस राशि के जातकों के साथ नहीं हैं। बिजनेस में भी कुछ नुकसान हो सकता है, इसलिए आपको निवेश करने से पहले कई बार सोचने की ज़रूरत है। आपके जेब से पैसा ज़्यादा बाहर जा सकता है। जायदाद के मामलों में भी विवाद की आशंका बनी रहेगी। हालांकि छात्रों के लिए ये सप्ताह काफ़ी अच्छा है, थोड़ी सी मेहनत से ही ज़्यादा अच्छे रिजल्ट मिलने की संभावना है। जो छात्र विद्यार्थी किसी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे थे, उनको अपने लक्ष्य पर ध्यान दें और वहाँ सफलता प्राप्त होगी। टेक्निकल फील्ड के छात्रों को थोड़ी सी प्रॉब्लम झेलनी पड़ सकती है। घरेलू जीवन में थोड़ा उतार चढ़ाव आ सकता है, फिर भी आपसी मेलजोल से पारिवारिक संबंधों में प्रागढ़ता बढ़ेगी। आपको अपने गुस्से पर काबू रख के चलना है। प्यार के हिसाब से सप्ताह आपको काफ़ी अच्छे रिजल्ट दे सकता है। वैवाहिक जीवन आपका सुखमय रहेगा। स्वास्थ्य आपका पूर्णतः से इस वीक में ठीक रहेगा। आने वाला सप्ताह आप सभी जातकों के लिए, सभी राशियों के लिए शुभ रहे, इसी शुभकामनाओं के साथ मैं महागुरु, नमस्कार।